हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू अवर चैनल इलास्ट्रेशन 3 करेंगे व्हेन ऑल पार्टनर बिकम इनसॉल्वेंट। ऑलरेडी सारे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम, सारे इलास्ट्रेशन हो गए। लास्ट इलास्ट्रेशन बचा है दिनेश मंगेश ऑन कौन है रमेश आर अ पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशो। क्या दिया है माय डियर, 2:2, 2:1 मतलब 2/5 हो जाएगा, 2/5 हो जाएगा और 1/5 हो जाएगा। सर 5 कहाँ से है, 2+2, 4, 4+1, 5 हो जाएगा। आगे क्या बोल रहे हैं, दे डिसाइड टू डिसॉल्व द फर्म ऑन 31 मार्च 2018 को हो रहा है। यहाँ पर फर्म डिसॉल्व, सर पता कैसे चलेगा सारे पार्टनर इंसॉल्वेंट हो रहे हैं। तो यहाँ पर देखो क्लियरली बोला ऑल पार्टनर वेयर क्या बोल रहा है, इंसॉल्वेंट। आपको दिख रहा है यहाँ पर एडजस्टमेंट नंबर 3, ऑल पार्टनर वेयर क्या हो रहा है, इंसॉल्वेंट। मतलब इससे पता चलता है सारे पार्टनर इंसॉल्वेंट हो रहे हैं। इंसॉल्वेंट होता है तो अभी को पता ही रहेगा कि लाइबिलिटी है उसका सेपरेटली अकाउंट बनाया जाएगा। मतलब अपने पास लाइबिलिटी क्या है, क्रेडिटर और बिल्स पेबल, इन दोनों का क्या बनाना पड़ेगा, सेपरेट हमें अकाउंट बनाना पड़ेगा। और ऑल पार्टनर इंसॉल्वेंट हो तो एक नया अकाउंट बनता है, कौन सा सर, डेफिशिएंसी अकाउंट। क्लियर है, तो सबसे पहले एक पेज पे क्या रहेगा आपको, नेसेसरी लेजर अकाउंट क्लोज द बुक्स ऑफ फर्म। कुछ मैंने पढ़ा नहीं है, मैंने देखा क्रेडिटर बिल्स पेबल है ऑल पार्टनर इंसॉल्वेंट। तो सबसे पहले मैंने इन द बुक्स ऑफ दिनेश मंगेश रमेश लिख दिया रियलाइजेशन अकाउंट, फर्स्ट पेज पे रियलाइजेशन अकाउंट, सेकंड पेज पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनेगा, हाफ पेज पे आपको कौन सा बनाना है, कैश और बैंक अकाउंट बना देना है। क्लियर है, उसके बाद जो अपना थर्ड पेज रहेगा क्रेडिटर अकाउंट बिल्स पेबल अकाउंट और उसके नीचे कौन सा अकाउंट आ जाएगा, डेफिशिएंसी अकाउंट। मतलब एक थर्ड पेज पे टोटल 3 अकाउंट, सर कितने कितने, 5-5 लाइन के बनाओ तो भी क्या होगा, चलेगा। क्लियर है, सफिशिएंट है। सबसे पहले समझते कौन सी चीज़ कहाँ पर जाएगी, जैसे बिल्डिंग कंप्यूटर डेटर और गुडविल, ये सारे के सारे कहाँ जाने वाले हैं, रियलाइजेशन अकाउंट की कहाँ चले जाएंगे, डेबिट साइड चले जाएंगे। क्लियर, ये सारे के सारे कहाँ चला जाएगा, रियलाइजेशन अकाउंट की डेबिट साइड, क्योंकि असेट्स ऑलवेज डेबिट साइड और लाइबिलिटी ऑलवेज कौन सी साइड होता है, क्रेडिट साइड होता है। जैसे बैंक अकाउंट में चला जाएगा डेबिट साइड, वहाँ पर नाम क्या आ जाएगा, टू बैलेंस ब्रॉड डाउन आएगा, जैसे बिल्डिंग कंप्यूटर डेटर और गुडविल। क्लियर है, तो यहाँ पर सबसे पहले क्या लिखना है, टू सन्ड्री असेट्स, टू यहाँ पर क्या आ जाएगा, सन्ड्री असेट्स लिखना है। क्लियर है, सन्ड्री असेट्स के अंदर कौन से है, पहले बिल्डिंग, तो यहाँ पर आ जाएगा बिल्डिंग, सर बिल्डिंग का अमाउंट कितना दिया गया है, बिल्डिंग है ना, तो बिल्डिंग का अमाउंट सर दिया गया है मुझे 78 और कंप्यूटर का 45 और डेटर का 20। तो बिल्डिंग कंप्यूटर डेटर और किसका दिया गया है, गुडविल दिया गया है। क्लियर है, जैसे डेटर का कितना दिया गया था, 20 दिया गया था, कंप्यूटर का कितना दिया गया है मुझे 45 और गुडविल का 35। क्लियर है, तो यहाँ पर आ जाएगा 45 और ये कितना हो गया, 35,000 हो गया। क्लियर है, काफ़ी सारे बच्चे की मुझे कमेंट आ रही थी, सर एग्ज़ाम में कैलसी अलाउ है, जी नहीं एग्ज़ाम में कोई आपको कैलसी अलाउ नहीं है। मैं इसके लिए करता हूँ कि कैलकुलेशन क्या हो जाए, फिर फटाफट हो जाए, नहीं करना है तो भी मेरे पास ठीक है। सर ये 45 में 5 डालो, 50 में 30 डाल दूँ, कितना हो जाएगा अपना 80 में 20 कितना होगा, 1 लाख। तो टोटल कितना आ गया, 1,78,000 क्या हो गया, आ गया। क्लियर, ये तो सिंपल ही था, आप इजीली क्या कर सकते, इसको कर सकते। उसके बाद क्या था, बैंक था, तो बैंक अकाउंट की कहाँ चला जाएगा, डेबिट साइड चला जाएगा और वहाँ पर नाम क्या आ जाएगा, यहाँ पर टू बैलेंस क्या आ जाएगा, ब्रॉड डाउन आ जाएगा। क्लियर है, तो यहाँ पर लिखना है टू बैलेंस ब्रॉड डाउन, टू यहाँ पर क्या आ जाएगा, बैलेंस ब्रॉड डाउन आएगा। जैसे कैश और बैंक का अकाउंट मुझे दिया गया है 8,000, तो यहाँ पर कितना लिख दूंगा, 8,000 दिया गया है। क्लियर, असेट्स ऑलवेज क्या रहेगा, डेबिट साइड, तो मैंने सारे की सारी कहाँ लिख दी है बेटा, डेबिट साइड मैंने क्या कर दिया, लिख दिया है टू बैलेंस ब्रॉड डाउन। क्लियर है, देखो 8,000 था कैपिटल, दिनेश मंगेश और रमेश, कैपिटल कहाँ जाता है, पार्टनर्स कैपिटल में जाता है। क्लियर है, सॉरी ये क्या हो रहा है, पार्टनर्स कैपिटल में जाएगा, वहाँ पर नाम क्या आ जाएगा, बाई बैलेंस ब्रॉड डाउन आएगा, 26, 22 और 18। क्लियर है, तो यहाँ पर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की यहाँ पर कितना आएगा, 26, 22 और 18 था ना। क्लियर है, और यहाँ पर नाम क्या आने वाला है, बाई बैलेंस क्या आ जाएगा, ब्रॉड डाउन आ जाएगा। क्लियर है, यहाँ पर नाम आ जाएगा बाई बैलेंस
ब्रॉड डाउन आ गया, क्लियर है, 26, 22 और 18, क्लियर है, 26, 22 और क्या आ जाएगा, 18 आ गया। क्रेडिटर और बिल्स पेबल कहाँ चला जाएगा, क्रेडिटर और बिल्स पेबल अकाउंट में चला जाएगा, 80 और कितना है, 40, क्लियर है। तो यहाँ पर क्रेडिटर और कहाँ चला जाएगा, क्रेडिट साइड, क्लियर है, यहाँ पर नाम आ जाएगा बाई बैलेंस ब्रॉड डाउन, कितना था ये, 80 था और ये कितना था, 40 था, और नाम क्या आ जाएगा यहाँ पर, बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन आपको क्या हो जाएगा, आ जाएगा, क्लियर है। सारी चीज़ें मैंने क्या कर दी, अच्छे से आपको ट्रांसफ़र कर दिया माय डियर स्टूडेंट, बहुत ही सिंपल सम है, कुछ इसमें हार्ड एंड फास्ट नहीं। आगे क्या पूरा, द फॉर्म वॉज डिजॉल्व ऑन द अबाउट डेट ऑफ द फॉलोइंग रिजल्ट एज रियलाइज, क्लियर है। सबसे पहले असेट्स, असेट्स को बेचोगे तो क्या आएगा, पैसा आएगा। बिल्डिंग को कितने में बेच रहे, 40,000 में, हम क्या कर रहे, बिल्डिंग को बेच रहे 40 में, बिल्डिंग को, कंप्यूटर को 30 में, डेटर को कितने में बेच रहे, 10,000 में, क्या करें, बेच रहे, बेचेंगे तो अपने पास क्या आएगा, पैसा आएगा। तो एंट्री क्या होता है, नॉर्मली कैश और बैंक अकाउंट क्या रहेगा अपने लिए, डेबिट हो जाएगा, क्लियर है। और क्रेडिट में किसका नाम होता है, रियलाइजेशन अकाउंट, क्लियर। तो रियलाइजेशन कहाँ पर, एक क्रेडिट, तो रियलाइजेशन की क्रेडिट साइड, बिल्डिंग, कंप्यूटर, डेटर। सर गुडविल के बारे में कुछ दिया नहीं है, तो गुडविल का कुछ अमाउंट आएगा नहीं, क्लियर है सर। पर इसमें तो लिखना पड़ेगा आपको, यहाँ पर नाम आएगा बाय कैश स्लैश किसका नाम लिखेंगे, बैंक अकाउंट। सबसे पहले किसको बेच रहे हैं, बिल्डिंग, तो यहाँ पर आ जाएगा बिल्डिंग, बिल्डिंग के बाद क्या था, स्टॉक, सॉरी बिल्डिंग, कंप्यूटर और डेटर, और क्या था लास्ट में, डेटर था, क्लियर है। अभी देख लेते कितने में बेच रहे, बिल्डिंग को कितने में बेचे है हमने, 40, 30 और 10, क्लियर। तो यहाँ पर आ जाएगा 40, 30 और क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा, क्लियर। आप सभी को पता चले 30 प्लस 10 40 40 और 40 कितना हो जाएगा, 80। और कैश और बैंक अकाउंट की कहाँ चला जाएगा, ये डेबिट साइड, और डेबिट साइड में सर यहाँ पर नाम क्या लिखना है, कैश और बैंक अकाउंट की डेबिट साइड, यहाँ पर नाम आ जाएगा टू रियलाइजेशन अकाउंट आ जाएगा, यहाँ पर नाम किसका आएगा, टू रियलाइजेशन अकाउंट आपको आ जाएगा। नीचे चाहिए तो ब्रैकेट में लिख देना, किस चीज़ का पैसा, ये असेट्स, क्लियर है। कितना पैसा आया सर, 80,000 रुपीज़ मुझे क्या हो गया, आ गया है, क्लियर है। ये एंट्री यहाँ पर हो गया। आगे क्या बोल रहे हैं, रियलाइजेशन एक्सपेंस अमाउंट कितना दिया गया, 2,000। एक्सपेंस मतलब पैसा क्या करना पड़ेगा मुझे, पे करोगे तो मेरे पास कैश और बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। और एग्ज़ाम में 110% फिल इन द ब्लैंक्स आएगा, रियलाइजेशन अकाउंट पे, तो डेबिट में किसका नाम रहेगा, रियलाइजेशन अकाउंट नाम आ जाएगा। डेबिट कितने से, डेबिट व्हेन रियलाइजेशन एक्सपेंस पेड, डिसोल्यूशन एक्सपेंस पेड, व्हिच अकाउंट इज टू बी डेबिटेड, तो आपको क्या लिखना है, रियलाइजेशन लिखना है, तो रियलाइजेशन डेबिट है, तो कितना है, 2,000, तो रियलाइजेशन अकाउंट की क्या लिखना है, डेबिट साइड, यहाँ पर नाम किसका आएगा, टू कैश लेस किसका नाम आ जाएगा, बैंक का नाम आ जाएगा, चाहिए तो यहाँ पर लिख देना, किस चीज़ का पैसा, ये रियलाइजेशन एक्सपेंस अकाउंट है, तो क्लियर है, यहाँ पर आ जाएगा रियलाइजेशन एक्सपेंस। डायरेक्टली आउटर में कितना लिख दूंगा मैं, 2,000 रुपीज़ लिख दो। और कैश और बैंक अकाउंट की कहाँ लिखना है, क्रेडिट साइड, यहाँ पर नाम किसका आएगा, बाय रियलाइजेशन अकाउंट, और ब्रैकेट में चाहिए तो लिख देना, किस चीज़ का पैसा पे करे, रियलाइजेशन एक्सपेंस का पैसा क्या कर रहे, पे कर रहे, कितना पैसा पे कर रहे सर, 2,000 रुपये पे कर रहे थे, यहाँ पर भी कितना लिखना है, 2,000 रुपये क्या करना है, लिखना है। ऑल द पार्टनर वेयर क्या हो रहा है, इंसॉल्वेंट, मतलब सारे पार्टनर क्या हो गए, भिखारी हो गए। द फॉलोइंग अमाउंट वॉज अ रिकवर फ्रॉम इज दिनेश, दिनेश के पास से कितना पैसा रिसीव हो रहा है, 2,000, और मंगेश के पास से कितना पैसा रिसीव हो रहा है, 2,000। दिनेश और मंगेश कितना दे रहा है, 2,000, मतलब पैसा आ रहा है, तो एंट्री क्या रहेगा, कैश अकाउंट क्या रहेगा, डेबिट, और क्रेडिट में किसका नाम आएगा, दोनों पार्टनर के नाम आएगा, यहाँ पर किसका नाम आएगा, दिनेश कैपिटल अकाउंट और मंगेश कैपिटल। तो कैश और बैंक कहाँ पर है, डेबिट साइड, कैश और बैंक अकाउंट की डेबिट साइड लिखना है, यहाँ पर किसका नाम आएगा, टू दिनेश कैपिटल और मंगेश कैपिटल, क्लियर। तो टू दिनेश कैपिटल अकाउंट कितना आया था, 2,000, और किसका नाम आएगा, टू मंगेश कैपिटल अकाउंट कितना आ जाएगा, 2,000 रुपये आ जाएगी, क्लियर। ये तो
डेबिट हुआ, अभी क्रेडिट इफेक्ट भी आएगा, तो दिनेश और मंगेश कैपिटल अकाउंट की कहाँ चला जाएगा, क्रेडिट साइड। देखो दिनेश मंगेश रमेश कुछ दे नहीं रहा है, तो रमेश में आपको क्या करना है, डैश कर देना है। और इसमें कितना पैसा दे रहा है, 2000, और ये भी कितना दे रहा है, 2000। और यहाँ पर नाम किसका आएगा, भाई देखो कैश और बैंक में किसका नाम लिखा था, दिनेश कैपिटल मंगेश कैपिटल, तो यहाँ पर किसका नाम आएगा, कैश स्लैश किसका नाम आएगा, बैंक का नाम आ जाएगा। क्लियर, अपनी बुक में अपना नाम आता नहीं, इसके लिए किसका नाम लिखते हैं, सामने वाले का क्या लिखते हैं, नाम लिखते हैं। क्लियर, अभी करना क्या है, टैली करना है। सर टैली करना तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, क्लियर है, बहुत कुछ इसमें हार्ड एंड फास्ट कुछ नहीं है। क्लियर, टैली करने के लिए तो देखो 78 में 2 डाल दो, कितना हो जाएगा सर, 1,80,000। और यहाँ पर कितना है, 80, कौन सा 1,80,000 ज़्यादा है कि 80 ज़्यादा है, 1,80,000। तो दोनों साइड यहाँ पर कितना आ जाएगा, 1,80,000, यहाँ पर कितना लिखेंगे, 1,80,000, यहाँ पर भी कितना लिखेंगे, सॉरी ये टेढ़ा हो गया ना थोड़ा, नहीं बराबर ही, अच्छा ओके, ये थोड़ा फॉर्मेट थोड़ा छोटा हो गया, चलेगा कोई बात नहीं, ओके ये थोड़ा सा छोटा हो गया, इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं, थोड़ा भी थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो गया, ओके चलेगा थोड़ा, ओके माय डियर स्टूडेंट ना, ओके थोड़ा और छोटा। तो यहाँ पर भी कितना लिखा हमने, 1,80,000, तो यहाँ पर भी अपना कितना आएगा, देखो ये लाइन यहाँ पर आती है, कितना आ जाएगा, 1,80,000, 1,80,000 में से ये ऊपर वाला 80 अगर मैं माइनस करूँ तो यहाँ पर आंसर कितना आ जाएगा, 1,00,000 आएगा। क्लियर है, ऊपर का टोटल 80,000 था, क्लियर है, आपको यहाँ पर दिखा दूँ, देखो ये टोटल कितना था, 80 में से ये 1,80,000 माइनस को आंसर कितना आएगा, 1,00,000। और इसको नाम क्या देना है आपको, बाय कहाँ पर जाने वाले, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यहाँ पर किसका नाम आएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का नाम आ जाएगा। प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, सर लॉस हो गया ना, क्योंकि लॉस होता है तभी बिजनेस क्या करते, बंद करते, तो लॉस ऑन क्या आ जाएगा, यहाँ पर रियलाइजेशन अकाउंट आ जाएगा। क्लियर, तीनों पार्टनर में देना है, तो पहला पार्टनर कौन है, दिनेश रमेश और क्या होने, मंगेश। क्लियर, यहाँ पर जरा देख देते हैं तीनों को, पहला पार्टनर कौन है, दिनेश मंगेश और रमेश। क्लियर, तो यहाँ पर किसका नाम आ जाएगा, दिनेश, दिनेश के बाद कौन है, मंगेश और कौन है, रमेश। क्लियर है, अगर आपको देखो यहाँ पर जगह नहीं रहेगी माय डियर स्टूडेंट, तो एक एक लाइन छोड़ के लिख सकते हो। क्लियर, यहाँ पर कितना लिखूँ, 1,00,000, और रेशो क्या था माय डियर स्टूडेंट, याद है 2/5, इसका भी कितना था, 1,00,000, रेशो कितना था, 2:2:1, तो 2/5, यहाँ पर भी कितना है, 1,00,000, रेशो कितना है, 1/5, 5 1 5, 5 2 10, तो ये कितना आएगा, 20,000 मल्टीप्लाई बाय 2 करो, कितना आंसर आ जाएगा, 40,000 मल्टीप्लाई बाय 2 40,000, 20,000 मल्टीप्लाई बाय 1 कितना हो जाएगा, 20,000 हो जाएगा। ये कहाँ आया, क्रेडिट साइड, तो ट्रांसफ़र कहाँ होगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की डेबिट साइड होगा। क्लियर है, तो यहाँ पर कुछ है ही नहीं, तो यहाँ पर डायरेक्ट लिख दो, 2 किसका नाम आ जाएगा, रियलाइजेशन अकाउंट, और प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, तो लॉस कितना हुआ सर इसका, 40,000, 40,000, 40,000, और कितना हुआ इसका, 20,000 क्या हुआ, नुकसान हो गया। क्लियर, अभी देखो सबका कौन सा साइड ज़्यादा है, आपको सबका देखा जाए तो यही साइड ज़्यादा है सर, ये वाला साइड ही सबका क्या है, ज़्यादा है यहाँ पर देखो। तो चलो शुरू करते हैं, 40,000, तो यहाँ पर भी कितना लिखना है, 40,000, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, 20,000 आ जाएगा। क्लियर, एक बार जरा बुक में मैं चेक कर लूँ, राइट है, अरे अपना सम राइट ही होता है। क्लियर, 40,000 और यहाँ पर कितना आ जाएगा, 20,000 आ जाएगा। 20,000 में से सर 18,000 माइनस करना है, तो आंसर कितना आ जाएगा, 2,000 आएगा। सर 40,000 में से 24,000 माइनस करना, तो आंसर कितना आ जाएगा, 16,000। ये भी कितना आ जाएगा, सॉरी ये 26,000 है ना इसका, तो 26 में 26 और 2 28, तो इसका कितना आंसर आ जाएगा, 12,000 आपको क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। इसको नाम क्या देना है सर, बाई केशोर बैंक जी ने, इसको नाम क्या आएगा, डेफिशिएंसी अकाउंट आएगा, क्या आएगा, डेफिशिएंसी अकाउंट आ जाएगा।
क्यों सर डेफिशिएंसी? क्योंकि ऑल पार्टनर व्हेन इंसॉल्वेंट होते हैं, जब पहला इलास्ट्रेशन मैंने पढ़ाया था ऑल साइड, तो वहाँ पर मैंने आपको थोड़ा उसका मीनिंग वगैरह, जब सारे पार्टनर इंसॉल्वेंट होते हैं इसको नाम क्या आता है, डेफिशिएंसी अकाउंट क्या होता है, आता है। क्लियर? ये कहाँ आएगा, ये कहाँ आया था, क्रेडिट साइड, तो सारे पार्टनर की कहाँ चला जाएगा, डेबिट साइड चला जाएगा। क्लियर है? तो ये जो डेफिशिएंसी अकाउंट हमने बनाया था जो एंड में है, उसकी कहाँ चला जाएगा, क्रेडिट आया तो कहाँ चला जाएगा, डेबिट साइड। तो यहाँ पर किसका नाम लिखना है, टू दिनेश कैपिटल अकाउंट, टू दिनेश कैपिटल अकाउंट कितना आया था, 12,000। दिनेश के बाद क्या था, मंगेश कैपिटल अकाउंट कितना आया था, इसका 16,000 आया था और इसका 2,000 आया था। किसका आया था, 2,000 रमेश का आया था। तो टू यहाँ पर किसका नाम आ जाएगा, रमेश कैपिटल। इतना सर स्ट्रेट फॉरवर्ड क्यों आप जा रहे हो फटाफट, क्योंकि ऑलरेडी सारे इलास्ट्रेशन लास्ट इलास्ट्रेशन है, इतने सारे इलास्ट्रेशन इतने सिंपल वे में मैं आपको सिखा चुका हूँ कि तो थोड़ा तो फास्ट जाना पड़ेगा ना, 12,000 16,000 और कितना है 2,000, अपना क्या हो जाएगा टोटल आपको आ जाएगा। क्लियर है माय डियर स्टूडेंट? ये हो गया, अभी ये डेफिशिएंसी अकाउंट हो गया। चलो कैश और बैंक को टैली करना है, कैश और बैंक को टैली करना है, उसके पहले जरा एक बात मैं आपको बता दूं। यहाँ पर देखो क्रेडिटर और बिल्स पेबल का अमाउंट कितना है, 40,000 और 80,000 का रेशियो निकालेंगे तो आंसर कितना आएगा, 8:4। सर कैसे, 4040 तो 8/4, इसको और कैंसिल करेंगे, 4 हो गया, 4 2 8 हो गया, तो रेशियो क्या मिला मुझे, ये 2:1 रेशियो मिला। तो कैश और बैंक का जितना भी पैसा मिला कौन से रेशियो में ट्रांसफ़र करना पड़ेगा, 2:1 रेशियो में आपको क्या करना पड़ेगा, ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। क्लियर? तो चलो करते हैं, यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं अपना पैसा कितना पड़ा है, ठीक बात आती है पैसा की। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले इसका टोटल पैसा कितना पड़ा है, 80 और 2 कितना हो गया, ये सॉरी 80 और ये 2 कितना हो गया, 92,000 अपने लिए हो गया। पता चला कैसे आया, ये 8 और 2 10, 10 और ये 8 कितना हो जाएगा, 90, 90 और 2 92,000 अपने लिए हो गया। यहाँ पर भी कितना आएगा, 92 में से सर 2,000 चला गया तो बैलेंस कितना आया, 90। इसको किसको जाएगा, बाय क्रेडिटर और किसको जाएगा, बिल्स पेबल को जाएगा, किसको जाएगा, बिल्स पेबल को जाएगा। कौन से रेशो में जाएगा सर, 2:1, अभी हमने यहाँ पर निकाला, देखो इसका रेशो के हिसाब से जाएगा तो 8 और 4 आया तो 4 1 4 और 4 2 8 तो कितना है, 2:1 ना, 2:1 तो 2/3 1/3 पता चला, 2+1 करोगे तो कितना आ जाएगा, 3 आपको आ जाएगा। क्लियर है? तो 90,000 मल्टीप्लाई बाय 2/3, 90,000 मल्टीप्लाई बाय 1/3, 3 3 कितना होता है, 9, तो ये कितना आ जाएगा, 30,000 हो गया और ये 30 का डबल 2 है तो कितना हो जाएगा, 60,000 हो जाएगा। क्लियर है? ये करेंगे तो कितना आंसर आएगा, 3 3 9 तो ये 30,000 मल्टीप्लाई बाय 2 60,000 हो जाएगा। क्लियर है? ये कहाँ आया था, क्रेडिट साइड तो कहाँ चला जाएगा, क्रेडिटर की डेबिट साइड और बिल्स पेबल की डेबिट साइड, 60 और 30। क्लियर है? तो क्रेडिटर और बिल्स पेबल की कहाँ चला जाएगा, डेबिट साइड चला जाएगा। क्लियर है? यहाँ पर देखो इसका कितना आया था, 60, क्रेडिटर का कितना आया था, 60, तो यहाँ पर किसका नाम आएगा, 2। कहाँ से आ रहे, कैश और बैंक अकाउंट से आ रहे, तो यहाँ पर कितना नाम आ जाएगा, कैश और बैंक अकाउंट आएगा, कितना आ जाएगा इसका, 60। देखो 80 की जगह कितना दे रहे, 60, और इसको कितना देना था, 40, तो कितना दे रहे, 30 हम क्या कर रहे, दे रहे, तो 2 यहाँ पर किसका नाम आ जाएगा, सॉरी कैश और बैंक अकाउंट का क्या हो जाएगा, नाम आपको आ जाएगा। क्लियर है? 2 यहाँ पर किसका नाम आ जाएगा, कैश लेस किसका नाम आ जाएगा, बैंक का नाम क्या हो जाएगा, आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 30,000। चलो सर इसका टोटल कर देते, बता दो जरा, ये आ गया 80, ये भी कितना हो जाएगा, 80 सर, 80 में से 60 गया तो कितना आंसर बचेगा, 20, और इसको नाम क्या देना है, बाय क्या देना है बच्चों, डेफिशिएंसी अकाउंट। क्लियर है? तो डेफिशिएंसी अकाउंट की कहाँ चला जाएगा, ये क्रेडिट साइड पे चला जाएगा डायरेक्ट, तो यहाँ पर नाम किसका आएगा, बाय क्रेडिटर अकाउंट।
कितना आंसर आ जाएगा माय डियर स्टूडेंट 20, इसका कर देते चलो कितना होता है, यही साइड ज्यादा है ना बेटा, 40, यहाँ पर भी कितना आंसर आ जाएगा 40 में से 30 गया तो कितना आंसर बचेगा 10,000, इसको नाम क्या देना है बाय डेफिशिएंसी अकाउंट की, सॉरी टू डेफिशिएंसी अकाउंट आ जाएगा, क्लियर है। डेफिशिएंसी अकाउंट आपको क्या हो जाएगा, आ जाएगा, क्लियर है। और ये डेफिशिएंसी अकाउंट की कहाँ चला जाएगा, क्रेडिट साइड चला जाएगा, क्रेडिट साइड पे नाम किसका आएगा यहाँ पर बाय बिल्स पेबल का क्या हो जाएगा, नाम आ जाएगा, बाय किसका नाम आ जाएगा, बिल्स पेबल का क्या हो जाएगा, नाम आ जाएगा, क्लियर। अमाउंट कितना आ जाएगा 10,000, तो ये देखो 20 और 10 कितना होता है 30,000, ये कितना है 12 में दो डाल दो कितना होगा 14 और 16 कितना होता है 30,000। इसी के साथ ही अपना देखो डेफिशिएंसी अकाउंट क्या हो गया, टैली हो गया। बहुत ही सिंपल सम है ये, सम तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल था, एग्ज़ाम में ऐसे सम आने के चांसेस ना के बराबर है, हालांकि कभी कभी दिमाग ख़राब रहेगा, मूड ठीक ठिकाने नहीं रहेगा तो ऐसे सम भी आपको आ सकते, क्लियर है। इसी के साथ सारे इलास्ट्रेशन मैंने करा दिए, सारे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम करा दिए। अभी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ मैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज चालू करूँ कि इश्यू ऑफ शेयर चालू करूँ। थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट।